हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा है एरर, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है एक्सरसाइज। तो एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करें। हमने कल पढ़ा था बेटा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, मतलब अपेक्षित त्रुटि, परम त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते थे, उसका मेथड पढ़ा था, ठीक है। आज उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, आप हिंदी में समझ सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आर, पानी का जो अपवर्तनांक है, एक परीक्षण किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें हमने कुल 6 रीडिंग ली, तो 6 बार रीडिंग लेने पर ये वैल्यू प्राप्त हुई हमें। समझ में आ रही बात कि हम भाई एक एक रीडिंग तो लेते नहीं है, कोई एक चीज़ नापनी है तो उसको 5-6 बार नाप के देखते हैं ताकि गलती कम से कम हो। जितनी बार आप रीडिंग लेंगे उनका एवरेज निकालेंगे तो एरर कम होती है। तो क्या गिवन है? पहली रीडिंग उसको हम क्या बोलते हैं, A1, दूसरी रीडिंग A2, तीसरी A3, फिर क्या दिया है A4, A5 1.36, A6 1.34, ये रीडिंग्स बेटा दी गई हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। क्यों निकालनी है भाई? एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट होगी, परम त्रुटि कैसे होती है? वास्तविक मान माइनस मापित मान, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते थे अपन, AM, बताओ जितनी रीडिंग है सबका क्या कर दो भाई। आपने अगर कल पढ़ा है, कल वाला लेक्चर देखा है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, तो इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है, वही क्या होता है एक्चुअल वैल्यू होता है। सभी रीडिंग को जोड़ के नंबर ऑफ रीडिंग्स का डिवाइड, तो हम क्या करेंगे सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1.35, 1.33, जल्दी से ये काम कर देते हैं, और ये डिवाइड बाई 6। तो आप इसको ऐड करेंगे, 4, 6, 4, 10, 3, 5, और आ जाएगा 3, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 9, ये आ जाएगा बेटा 8.05/6, राइट। और ये आ गया AM, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये करीब वैल्यू प्राप्त होगी आपको 1.34। क्या प्राप्त होगी? 1.34। इनका सबका एवरेज क्या आ गया, 1.34 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, तो आंसर है रिलेटिव एरर, सॉरी पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बेटा, या परम त्रुटि, तो आंसर है एब्सोल्यूट एरर। अब हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकलेगी, तो पहली रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे, AM - A1, उसकी वैल्यू क्या आएगी, AM 1.34 फिक्स हो गया, माइनस क्या करना है 1.33, क्या आ जाएगा बेटा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा डेल्टा A2, AM - A2, 1.34 माइनस क्या करना है 1.34, ये आ गया 0.00। डेल्टा A3 अब सीधा पुट कर देते हैं, 1.34 माइनस 1.35, ठीक है। 1.34 तो फिक्स है AM की वैल्यू, A1, A2, A3 बदलता रहेगा, ये क्या आएगा, ये माइनस का 0.01 आ जाएगा। डेल्टा A4 1.34 माइनस, बताओ क्या आएगा, 1.33, यस ये आ जाएगा, फिर से 0.01। डेल्टा A5 क्या आएगा, 1.34 माइनस 1.36, ये आ गया माइनस का 0.02। और डेल्टा A6 1.34 माइनस 1.34, ये आ जाएगा बेटा 0.00। ये वैल्यू प्राप्त हो गई हमको। कोई देखो, हमने कहा था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी मिल सकती है और नेगेटिव भी मिल सकती है, मिल गई हमें वैल्यू, फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। अब दूसरा पार्ट हम क्या निकालते थे बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि कैसे निकलती है, तो आंसर है डेल्टा ए का बार निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इन सब का मोड, मतलब आपने पढ़ा था इन सब का जो मैग्नीट्यूड है या परिमाण है, सिर्फ वो लेना है, प्लस माइनस नहीं। याद है वो फॉर्मूला, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे करते करते, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे बेटा और वो मोड रख के ऐसे, पहली डेल्टा A1 की वैल्यू ये मोड लगा के, दूसरे की वैल्यू 0 प्लस तीसरे की वैल्यू माइनस हट जाएगा, तो माइनस है तो भी मोड लगा के लिख सकते हैं, मोड हटते ही माइनस हट जाएगा, प्लस मोड 0.01 प्लस 0.02
माइनस का प्लस जीरो, ठीक है, अपॉन सिक्स, छः रीडिंग है तो क्या आएगा, छः का डिवाइड आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू बन गई सारी 0.02345, तो ये वैल्यू क्या आ गई डेल्टा ए बार, तो आंसर है सर 0.05 अपॉन 6, यही तो आएगा 0.05 अपॉन 6, ये आ गया, तो डेल्टा ए बार मिल गया। अब तीसरी चीज़ हम क्या निकालते हैं, इधर कर लेंगे, इधर का पार्ट हमारा पूरा हो चुका। थर्ड चीज़ हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी बताओ, रिलेटिव एरर निकलेगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए एम, मतलब जो डेल्टा ए बार मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, तो हमने क्या निकाल रहे हैं, सापेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं, और इसमें ए एम का भाग दे दो, तो वैल्यू पुट कर दो 0.05 अपॉन 6, तो इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 1.34, क्योंकि ए एम की वैल्यू क्या निकली थी 1.34, तो इसको आप कैलकुलेट करें 0.05 अपॉन 6 इंटू 1.34, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00 करो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 0.006, ये वैल्यू ये आनी चाहिए, राइट, ओके 0.006 वैल्यू आएगी, ठीक है, ये प्री कैलकुलेटेड है। अब आती है बात परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी बेटा, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हमने इसमें गुणा में 100 कर देना है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100, यही तो आता था, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये क्या जाएगा 0.6%, क्या आ गया बेटा 0.6%, इतनी एरर हमारी मेजरमेंट में थी 0.6%, ये चारों चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, तो इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी तरीके से, इसमें चारों चीज़ें पूछे, दो चीज़ें हमने पूरी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, जितने टाइप्स के एरर इसमें आती हैं, जितनी कैलकुलेशन होती है। अब आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसको आज करें, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में